हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार, बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। वे दुनिया और समाज की सच्चाई से पूरी तरह परिचित नहीं होते और किसी के बहकावे में आ सकते हैं। उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों पर पूरी निगरानी और ज़रूरत भर निमंत्रण रखें। साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा और संदर्भों में परिचित कराकर यह समझाने का प्रयास करना होगा कि इंटरनेट पर परोसी गई अश्लीलता नशे से भी ज़्यादा घातक है। बच्चों के मन में अच्छे बुरे की समझ विकसित करनी होगी। वर्तमान में सोशल मीडिया का चलन तेजी से बढ़ा है। फेसबुक पर दोस्त बनाने की होड़ सी मची रहती है। इस दौरान कई बार गलत व्यक्ति भी मित्र सूची में शामिल हो जाते हैं, जो परेशानी का कारण बन जाते हैं। बच्चों को समझना होगा कि वे सोशल मीडिया पर गलत लोगों को मित्र ना बनाएं। अगर कोई फेसबुक या व्हाट्सएप पर उन्हें असहज करने वाली टिप्पणी करता है तो उसे तत्काल अपनी सूची से हटा देना चाहिए और इसकी जानकारी माता पिता को और हेल्पलाइन नंबर पर देना चाहिए। विद्यालयों में और अन्य मंचों के माध्यम से बाल यौन शोषण व अपराध के प्रति बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में संवेदनशील तरीके से जानकारी देनी चाहिए। अगर अक्सर देखने में आता है कि बच्चों का यौन शोषण करने वाला अपराधी उसके अपने ही परिवार का सदस्य है या कोई नज़दीकी होता है, ऐसे में अगर बच्चा अपने माता पिता या किसी बड़े से इसकी कोई शिकायत करता है तो उसकी बात पर विश्वास करके उसकी जांच करनी चाहिए और दोषी व्यक्ति कितना भी नज़दीकी क्यों न हो उसे सजा दिलाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सरकार को भी ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे अश्लील वीडियो और सामग्री को सोशल मीडिया के हर मंच पर प्रतिबंधित किया जा सके। भ्रष्टाचार की जड़ें में उल्लेख है कि ऊपर से नीचे तक और सत्ता से विपक्ष तक के नेता और कर्मी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनकी दलाल कार्यालय और मंत्रालय में आसानी से मिल जाते हैं। आश्चर्य होता है कि सचिवों के माध्यम से मंत्री और मंत्रियों के माध्यम से मुखियाओं तक भ्रष्टाचार हो रहा है। विपक्षी दल महज विरोध करते रहते हैं, जबकि
विपक्षी दल भी जब सत्ता में रहे उन्होंने भी यही काम किया। स्थिति यह है कि एक दूसरे की जांच करने, उलझाने और बदनाम करने में महज आगे रहते हैं। वास्तव में भ्रष्टाचारियों को सही ढंग से न तो पकड़ा जाता है और न ही जांच और कार्रवाई के प्रकरण आगे बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई भी मामला भीगो इसी दौरान या तो सत्ता अधिकारी, मंत्री, जांच समिति या आयोग आदि में परिवर्तन हो जाता है। कहा जाता है धर्म की जड़ें पाताल में हैं। ऐसा लगता है कि उसी तरह अब भ्रष्टाचार की जड़ें भी पाताल तक पहुंच चुकी हैं। इसे समाप्त करने के लिए ऊपर से नीचे तक के भ्रष्टाचारियों के साथ सख्ती से पेश आना होगा। आश्चर्य होगा होता है कि अभी तक लोकपाल के समूचे तंत्र का गठन पूरी तरह से नहीं हो सका, क्योंकि भ्रष्टाचार समाप्त करने के सही तरीके अभी तक नहीं खोजे गए। वरना लोकपाल अभी कभी का गठित हो जाता और भ्रष्ट लोगों को जेल में डाल दिया जाता।